हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज 10 नवंबर धनतेरस का दिन है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं दीप पर्व दीपावली की। परसों होगी दीपावली, यानी कि 12 नवंबर को शायद महालक्ष्मी पूजा है। हाँ, 12 नवंबर को ही है। तो आप सभी को जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खासकर उन भाइयों को जो अभी घर में नहीं है, घर से बाहर हैं, उन भाई बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर की बहुत आपको याद आ रही होगी, होता ही है। जब मैं पहले दिल्ली में था, कई बार दीपावली पे नहीं आ पाता था, तो बहुत वहाँ उतना मज़ा नहीं आता। मतलब घर की याद आती है बहुत ज़्यादा, अपने परिवार की याद आती है। परिवार के साथ दीपावली या फिर कोई भी त्यौहार मनाने में जो मज़ा है, वो घर से दूर मनाने में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ हैं जैसे हैं इंजॉय करें। हमारे फौजी भाई जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरे इकलौते फैन रोहित भाई को भी हैप्पी दीपावली। आप भी बॉर्डर पर आराम से चाक चौबंद रहें, और आपकी आपके ऊपर पूरे देश की जो है जिम्मेवारी है सुरक्षा की। तो आपको बहुत दीपावली की विशेष शुभकामनाएं। फिलहाल दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह मार्केट की, और धनतेरस का दिन है। तो जैसे हामिद ने, अगर आपने ईदगाह पढ़ी होगी, ईदगाह सभी ने पढ़ी होगी, बहुत बढ़िया और सुंदर कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, और हमारे पाठ्यक्रम में भी थी। तो ईदगाह में क्या होता है कि हामिद लेता है अपनी दादी के लिए एक बढ़िया सा चिमटा, और उसके दोस्त जो हैं वो खिलौने रोने लेते हैं, और हामिद चिमटा लेता है, क्योंकि उसकी दादी जब भी रोटी बना रही होती है उनका हाथ जल जाता है। तो वो देखता है कि जब भी मेरी दादी रोटी बनाती है उनका हाथ जल जाता है, क्योंकि उनके पास चिमटा नहीं है। तो सब लोग खिलौने लेते हैं, वो लेता है चिमटा। तो आज मैं भी सोच रहा हूँ कि धनतेरस के दिन एक बढ़िया सा चिमटा लिया जाए। तो क्योंकि हमारे होम स्टे में भी जो चिमटा है वो ख़राब हो चुका है, तो कई दिनों से हम ताऊजी के चिमटे से काम चला रहे थे। तो आज मैं सोच रहा हूँ बढ़िया से चिमटा लें और मार्केट का आपको हाल दिखाएं। तो जुड़े रहिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों सोमेश्वर में भी पहुंच गए हैं। कहे बटी ले यार, चिमटा ही तो लेना है। कमल भाई भी आ गए हैं। कहाँ कमल भाई आजकल? आजकल जलंधर। जलंधर में हो? पंजाब, मतलब पंजाब जलंधर में है। फौजी भाई आते रहते हैं, इनका काम है घर आना जाना। क्षमता की दुकान चल रही है, और ये है बाबा बर्तनों की दुकान, यहाँ से लेते हैं यार अपने लिए चिमटा। एक छोटा सा चिमटा और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों अपना सामान हमने ले लिया है, एक चिमटा एक डाड़ू। मैंने कहा चिमटा क्या लें, एक डाड़ू भी ले लेते हैं, वो भी काम का है। तो वैसे तो मुझे मार्केट पसंद नहीं है, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, लेकिन आपके लिए थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ जितना दिखा सकता हूँ अभी। ये देखो आज थोड़ा भीड़ है यहाँ पे, रश है, अन्य दिन इतनी भीड़ नहीं होती है। तो लोग जो है दीपावली की शॉपिंग कर रहे हैं आज। यहाँ पुलिस की गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है पेट्रोलिंग के लिए। ये बस आ रही दिल्ली से, और आगे वाली, मतलब ये दोनों बसें जाएंगी बागेश्वर। OMG, गुंडावती। अब मन नहीं कर रहा ऊपर जाने का, गोस्वामी जी से मिलते हैं। नमस्कार सर, हैप्पी दिवाली, कैसे हैं? तो गोस्वामी जी मिल गए यहाँ पे। अभी मन नहीं कर रहा यार, मैं जा रहा हूँ वापस घर को, भीड़ भाड़ बहुत है। हो सकेगा तो ऊपर मोमोज खाएंगे, मन कर रहा है अगर बने होंगे तो। मोमो ठेके में मोमोज खाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे घर को। बहुत भीड़ है, मतलब मेरे लिए तो बहुत भीड़ है, मुझे भीड़ पसंद नहीं बिल्कुल भी। भीड़ पसंद होती तो अपन दिल्ली रहते अभी। तो दोस्तों अभी अपनी वाली रोड पे खड़ा हूँ, मतलब यहाँ से लोध के लिए जाते हैं, रानीखेत रोड है ये। तो यहीं पे है मोमोज ठेका, ये दो यहाँ पे अच्छे मोमोज मिलते हैं, जो दो जगह, एक तो यहाँ पे मिलते हैं क्रेजी टाउन में भी अच्छे मोमोज मिलते हैं, और यहाँ भी बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं। तो फिलहाल हम यहीं पर खाएँगे। पनीर मोमोज मैंने ऑर्डर किया है, देखते हैं कैसे बना है। इन्हें इंटीरियर बहुत बढ़िया बना रखा है, सजा सजू के बैठने बैठने के लिए।
तो ये हैं अपने मोमोज, मैंने खाए यहाँ पे बहुत हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। फिलहाल मोमोज खाता हूँ, आप देखो, और इसके बाद हम निकलेंगे सीधे घर को। तो दोस्तों मार्केट से घर आ गया हूँ, ये लाया हूँ मैं आज, उमापति कंपनी का चिमटा है, उमापति कंपनी का चिमटा। तो कंपनी से मैं पैसे ले रहा हूँ इसको प्रमोट करने का, बहुत अच्छा चिमटा है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। तो बाकी अभी मैंने खाना बना लिया, दिन का दिखाता हूँ आपको क्या बना रहा। तो गाइज ये है सरसों और पालक की सब्जी, मतलब साग, बाकी वह हुआ खा रहे हैं। कैसा लग रहा बाबा? बहुत अच्छा है, सही है, ठीक है। हम रोज खाते हैं, उनसे अच्छा बना है, वो कटे वाले से अच्छा बना है। हाँ। तो मैंने उबाल के इसको मैंने पीस लिया था इस बारी, तो ये ज्यादा सही लग रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना थोड़ा। इसमें अगर हम पनीर डालेंगे तो पालक पनीर हो जाएगा, बिल्कुल, क्या कहते हो? तो इसका मतलब पालक पनीर बनाना आसान है, बस वो पनीर आप वो वाला मत लाइएगा, नोवा वाला, कंपनी क्लेम कर देगी आपके ऊपर। अच्छा नहीं हो रहा वो पैकेट वाला, बंद पैकेट का। तो कौन सा दुग्ध केदार, हम कैसा, दुग्ध केदार का खुला पनीर, या फिर हमारे मार्केट में एक दो जगह खुले पनीर मिलते हैं, वो अच्छे रहते हैं। दुग्ध की आधारम भी सही है, लेकिन वो विराट नोवा का ले आया सस्ते के चक्कर में, सस्ता मिल जाता है ना 10 रुपया। अच्छा नहीं है वो बिल्कुल, शायद 10 रुपए के चक्कर में हमारे पेट की भी अच्छी दशा हो जाती है, 10 रुपए के चक्कर में। चलो बढ़िया है, अभी वो मूड में नहीं है ना, थोड़ा कपड़े भी उन्होंने पुराने वाले पहने भी, नए कपड़े पहनेंगे तब दिखाएंगे उनको, तब दिखाएंगे कभी। तो यार अभी हम जाते हैं वापस घर को, खाना वाना भी हो गया, आज हम शाम को ना बात करेंगे। अरे माला कब लगाएगा उसके ऊपर? शाम में क्या बात करेंगे उत्तराखंड दिवस के ऊपर? क्यों करेंगे, वो तो कल था, तो कल समय नहीं मिला ना आपको, आप बिजी थे ना। हाँ तो कल करेंगे, अब आज का ब्लॉग तो बहुत लंबा हो गया है, हम करेंगे। अच्छा आप करोगे? अच्छा हम रिकॉर्ड करेंगे, मैं रिकॉर्ड करूंगा। अभी हमारा परसों एक गाना शूट होने वाला है। कहाँ पे? जो तुमने लिखा है क्या? मैंने लिखा नहीं है, मैंने उस पर कुछ नहीं किया है, बस हमारा वो यूट्यूब चैनल है सोमेश्वर घाटी, उसका गाना है, पिताजी के ऊपर गाना है, तो वो शूट होगा परसों। कहाँ पे? यही होगा। तो पिताजी भी है उसमें, मतलब एक्टर है, एक्टर होंगे। हाँ। तो वो उनको लाना, यहीं पर ही करवाना शूट अपने होमस्टे में। हाँ यही कराएंगे और क्या। यही तो कराएंगे, क्यों है वो जी? थोड़ा बहुत यहाँ कराएंगे, थोड़ा बाहर कराएंगे, जैसी लिखा होगा, फिर जैसा भी स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं इसमें डायरेक्टर कौन है? कैरेक्टर सोमेश्वर वाले, सोमेश्वर वाले करके यूट्यूब पे एक चैनल है, अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं मेरा तो उसको भी देख लेना, तो सोमेश्वर वाले करके बहुत अच्छा चैनल है, वो अभी नया चैनल है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस पे जो भी एक्टर है। तो मतलब पिताजी को एक तरह का सम्मान देते हुए। हाँ, पिताजी को क्या बोलते हैं कुमाऊनी में? बोजू बोलते हैं, पिता को बा बोलते हैं, मतलब बाजू, जू मतलब जी, जी वाला जू आ गया। तो फिलहाल दोस्तों इनको खाने देते हैं। तो दोस्तों अभी बज गए रात के 9:30 और आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे लगा मैंने ब्लॉग जो है बंद कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, लेकिन अभी एडिट कर रहा था तो देखा कि अच्छा लास्ट ब्लॉग आया निकी बाबा, जिसमें हम मैं बोलता हूँ टाटा बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिए, तो अभी बोल देता हूँ टाटा बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए मेरे यानी कि राजू निकी ब्लॉग के साथ। धन्यवाद, शुभरात्रि, शुभरात्रि नहीं गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप सुबह देख रहे होंगे। टाटा।